तपती गर्मी से त्रस्त होकर सभी देशवासियों को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था। अब जब बारिश ने देश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है तो तापमान में गिरावट तो देखने मिली है, लेकिन उसी के साथ ही लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण गुजरात का ही ले लीजिए, भारी बारिश के कारण सड़कें दरिया बन गई हैं। कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति के बाद लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं आने जाने वाली गाड़ियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां तो सड़क पर ही पानी में डूबी नजर आ रही हैं। बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतें आईं। सूरत में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव की स्थिति के बाद लोग काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। ANI की ओर से जारी वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे लोग जलमग्न सड़कों पर संभल संभल कर चल रहे हैं। सड़क के किनारे कई दुकानों के पास पानी जमा होने से परेशानियां बढ़ रही हैं। वहीं कई जगहों पर घरों में भी पानी घुस आया है। यहाँ पे ये पहली बार इतना पानी हुआ भरा। आपके साथ क्या सिचुएशन है? अभी बहुत बुरी सिचुएशन है। अभी आप देख सकते हैं कि पूरे सब तर रहा है, नीचे की जो भी चीज वस्तु है सभी तरह से। अभी कोई भी हालात कंडीशन में अभी नहीं खाना पका सकते, लोड बोर्ड सब बुरी तरह से सीख गए। उधर गुजरात के सूरत के अलावा अमरेली समेत कई दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही है। अमरेली में भी कई जगहों पर बारिश के बाद पानी जमा हुआ है। रहायशी इलाकों और बाजार में जलजमाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की आवाजाही भी कुछ हद तक बाधित हुई। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, इसी की वजह से आने वाले 3-4 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में रविवार यानी 30 जून को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुजरात के कई हिस्सों में अभी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जुलाई को वलसाड, सांबरकांठा, अरावली, महिसागर, सूरत, नवसारी में काफी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। 2 जुलाई को भी नवसारी वलसाड़ में भारी बारिश की संभावना है। मूसलाधार बारिश की संभावना को देखते हुए मछुआरों को फिलहाल समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। आप भी देखिए गुजरात से आई कुछ तस्वीरें और वीडियोज़।